Okay, so good morning to all of you. Today's class is trickle down system of aquaculture extension. So before going in the detail of trickle down system, let's first see what is the system is and how it works. Okay, so as you all can see this picture here, here is written extension agent, then RDF, which goes for result demonstration farmer, and then FF, which is fellow farmers. So what happened in trickle down system, mainly if we are going to disseminate any technology to the farmers, so first we select some result demonstration farmers. And what are the result demonstration farmers? They are the progressive farmers. Progressive farmers in the term, they are literate, they have the vast experience in the field of aquaculture. Okay, they are doing the fish culture, they are gaining benefit. Okay, they have the respect in the society. Okay, if other farmers who are doing the fish culture, if they face any kind of problem, so generally they go to the RDFs, means result demonstration farmers, to solve the problems or to gain the solution of that for farmers. Okay, so इसको अगर हम एक सिंपल वे में बताएं तो जो RDF farmers होते हैं वो एक बहुत ही ज्यादा संपन्न, जिनको हम farmer कहते हैं, जिनके पास में मोस्टली जो भी फार्मर फार्मिंग से रिलेटेड फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, उनको अच्छा नॉलेज होता है फार्मर फार्मिंग से रिलेटेड, वो आरडीएफ फार्मर्स होते हैं. उसके बाद आते हैं हमारे फेलो फार्मर्स, जिनको थोड़ी कम नॉलेज होती है. ओके, तो हमारा ट्रिकल डाउन सिस्टम में क्या होता है कि अगर हम जब भी कोई एक्वाकल्चर से रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी फार्मर्स को या फिर किसी भी विलेज में, किसी भी सोसाइटी में स्प्रेड करने जा रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों को पहले सेलेक्ट करते हैं जो जिनकी बातों को गांव के लोग या फिर जहां पर भी हम उसको स्प्रेड करने जा रहे हैं उनको सुनते हैं, उनको मानते हैं. ओके, उनकी बातों को मानते हैं. तो इसमें हमारे क्या कहते हैं कि रिलीजियस लीडर्स भी आ सकते हैं अगर वो लोग रेडी हैं ये काम करने के लिए. ओके, कुछ अगर हम पॉलिटिशियंस को ले लें, अगर वो रेडी हैं, अगर लोग उनकी बातों को मानते हैं तो हम उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं. तो ये हमारे रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन फार्मर्स होते हैं. अब इनको रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन फार्मर्स क्यों कहते हैं, क्या चीज है रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन फार्मर, मतलब कि जो भी हम फार्मिंग टेक्निक विलेज में स्प्रेड करने जा रहे हैं उनका जो भी रिजल्ट है उसको जो भी हमारे फेलो फार्मर्स हैं या फिर जो गाँव के दूसरे लोग हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब कि उनको दिखाते हैं. मान लीजिए कि कोई भी हम नई टेक्नोलॉजी हमने आरडीएफ को दी, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को या फिर वो मेथड करके अप्लाई करके अपने पॉन्ड पर फिश कल्चर किया, उससे बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिला, तो वो क्या करते हैं उस रिजल्ट को गाँव के और लोगों को दिखाते हैं, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं कि हमने कैसे किया, हमने इस टेक्निक को जो भी हमको बताया गया उसमें क्या क्या इनपुट्स हमने लगाए हैं, उसको कैसे प्रैक्टिस किया, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, उसको हमने कैसे सॉल्व किया. तो क्योंकि वो जो भी हमारा रिजल्ट है उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनको, तो फिर इसीलिए उनको हम कहते हैं रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन फार्मर्स और फेलो फार्मर्स जो कि उनके बाद में आते हैं. तो इसमें क्या होता है कि हमारे कुछ साइंटिस्ट होते हैं, एक्सटेंशन एजेंट होते हैं, तो वो साइंटिस्ट और एक्सटेंशन एजेंट मिलके जो है हमारे RDF के पास में जाते हैं, उनको बताते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है, आप इनको ऐसे ऐसे कल्चर कीजिए, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो अच्छा रहेगा, हम आपको इसकी श्योरिटी देते हैं ऐसा रहता है. तो क्या है वो जो हमारे RDF होते हैं उनकी बातों को मान करके उनके द्वारा जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज दी जाती है उनको अपने फार्म पर अप्लाई करते हैं, उससे प्रोडक्शन लेते हैं, फिर उस टेक्निक को जो उनके फेलो फार्मर्स होते हैं, गाँव के और लोग होते हैं, उनको शो करते हैं. किस लिए शो करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए कि हमने तो इससे अच्छा प्रोडक्शन ले लिया, अब आप भी इससे जो है अच्छा प्रोडक्शन लीजिए, ये बहुत ही बेनिफिशियल है, इससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी. ओके, तो क्या है हम एक जगह से ट्रिकल डाउन
नीचे आते जा रहे हैं। ओके, एक हमने पहले आरडीएफ को सेलेक्ट किया, उनको फिर डिमोन्स्ट्रेशन, वो जब अच्छा प्रोडक्शन हुआ उन्होंने डिमोन्स्ट्रेशन करके एफएफ को दिखाया, फिर एफएफ क्या है वो आरडीएफ का रोल प्ले करने लगते हैं। ओके, फिर क्या है मतलब कि सर यहाँ एफएफ का मतलब क्या हुआ सर? फेलो फार्मर्स। ओके, जो भी हमारे एफएफ हैं, फिर जब वो उस प्रोडक्शन से लाभ लेने लगते हैं तो उनके बाद में जो और फार्मर्स होंगे जिन्होंने अभी तक उस टेक्नोलॉजी को नहीं यूज किया होगा, फिर वो उनको डिमोन्स्ट्रेट करने लगते हैं। समझ रहे हैं? मतलब कि पहले आरडीएफ आए, उन्होंने फेलो फार्मर्स को डिमोन्स्ट्रेट किया अच्छा प्रोडक्शन लेके, फिर वो फेलो फार्मर्स, उनके नीचे जो फार्मर्स थे जो कि अभी तक उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किए थे, उनको डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। फिर जब वो उससे अच्छा प्रोडक्शन लेने लगते हैं, फिर वो उनके नीचे, फिर जो और जो फार्मर्स बचे हुए हैं उन्होंने जो नहीं एक्सेप्ट किया होता है उस टेक्नोलॉजी को, या फिर यूज नहीं कर रहे हैं, वो उनको डिमोन्स्ट्रेट करते हैं जिससे कि वो लोग भी उसको एक्सेप्ट करें, उसको यूज करें। तो ये हमारा जो है एक कॉन्सेप्ट है इसका, ट्रिकल डाउन सिस्टम का। नीचे नीचे हम धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हैं। हमारे जो फार्मर्स है, जो भी हमारे सोसाइटी में सबसे ज्यादा सबसे पुअर फार्मर्स हैं, ओके, जिन तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाती है, उनको भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये जो हमारा ट्रिकल डाउन सिस्टम है, ये सबसे पहले बांग्लादेश में इसको डेवलप और यूज किया गया था। एफएओ ने यूएनडीपी के साथ में एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसको कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग इन फिशरीज सेक्टर प्रोजेक्ट कहते हैं। 1992-93 तक ये चला था, जिसका कि मेन जो हमारा मोटो था कि जो फिश कल्चर है हमारा, जो एक्वा कल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, ओके, उसको विलेज में या सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग बनाना। इसमें क्या होता है, हमारा पार्टिसिपेटरी फार्मर टू फार्मर एक्सटेंशन अप्रोच होता है। फार्मर टू फार्मर कैसा था, पहले वो टेक्नोलॉजी हमारी आरडीएफ या फिर रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन फार्मर है उन तक गई, उसके बाद फेलो फार्मर्स तक गई, उसके बाद जब फेलो फार्मर्स ने उसको अच्छे से ऑब्टेन कर लिया, उसको गेन कर लिया, उससे अच्छा रिजल्ट लेने लगे, तो फिर वो जो टेक्नोलॉजी है, उसके बाद जो दूसरे जो पुअर सेक्शन के जो फार्मर्स हैं उन तक गई फिर। तो ये क्या है, फार्मर टू फार्मर, एक फार्मर से दूसरे फार्मर तक जा रही है। ओके, देन क्या है, इनिशियल बॉटम अप पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। इनिशियल बॉटम अप का क्या मतलब है कि जो भी हम टेक्नोलॉजी हम डिमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं तो पहले हमको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ओके, एक्वा कल्चर में कई सारी टेक्निक्स हैं जिससे कि हम अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं, लेकिन कौन सी हमको टेक्निक यूज करनी है जो कि उस पर्टिकुलर विलेज के लिए सूटेबल होगी। ओके, तो उस टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करने के लिए हम फार्मर्स को इंक्लूड करके ग्रास रूट लेवल प्लानिंग करते हैं। ग्रास रूट लेवल प्लानिंग क्या होता है, जो कि हम फार्मर्स को यूज कर रहे हैं, जो सबसे लोअर कैटेगरी का जो फार्मर है, ओके, जो सबसे ज्यादा जिसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, उसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या है हमारा बॉटम अप, मतलब नीचे से फिर उसमें क्या है, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको भी इंक्लूड करते हैं। तो सबको लेकर के हम ये प्लानिंग बनाते हैं कि कौन सी टेक्निक हमको यूज करनी है, किस टाइप के इनपुट्स लगेंगे, वो इनपुट्स हमको लोकली अवेलेबल है या फिर बाहर से मंगाने पड़ेंगे। तो ये चीज प्लानिंग होती है, ये इनिशियल बॉटम अप पार्टिसिपेटरी प्लानिंग क्यों है, क्योंकि इसमें सबका पार्टिसिपेशन हो रहा है। ओके, देन स्प्रेड ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्निकल इम्प्रूव्ड कल्चरल टेक्नोलॉजी। अब क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारे आरडीएफ हैं उन्होंने अच्छा रिजल्ट गेन किया, उसको जो है स्प्रेड करेंगे, फिर वो टेक्नोलॉजी फेलो फार्मर्स को देंगे जिससे कि वो भी उस टेक्नोलॉजी का लाभ ले सके। तो क्या है, हमारा जो भी नॉलेज है उस टेक्नोलॉजी से, या जो भी हम कल्चर प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उसमें जो जो नॉलेज होती है, कैसे उसको करना है, क्या क्या इनपुट्स देने हैं, ओके, डिजीज अगर कोई अक्रेंस हो रही है तो उसको कैसे करने हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उनका सॉल्यूशन कैसे लेना, ये क्या है, पूरा एक सेट ऑफ नॉलेज है। तो वो सेट ऑफ नॉलेज को जो है हमको स्प्रेड करना है, वो हम स्प्रेड कर रहे हैं आरडीएफ से फेलो फार्मर्स, फिर वो फेलो फार्मर्स से दूसरे जो हमारे फार्मर्स हैं उनको दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन टू फेलो फार्मर्स। तो मैंने बता ही दिया कि जो भी हमारा रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन के थ्रू जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है, उसको जो भी फेलो फार्मर्स हैं, जो भी सोसाइटी, जो भी हमारे विलेज के फार्मर्स हैं, अन्य फार्मर्स जो कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अभी तक अडॉप्ट नहीं किया, तो उन तक हम इसको उनको स्प्रेड करते हैं।
ओके, तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग कैसे होती है कि जो कि पहले आपने देखा कि हमारा एफएओ ने बांग्लादेश में सबसे पहले डेवलप और इसको जो है इम्प्लीमेंट किया था, उसको क्या है इस प्रोजेक्ट ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया, जिससे कि गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश थी वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी और उन्होंने एफएओ को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजा था कि हम ये प्रोजेक्ट को अपने मतलब कंट्री में और बड़े लेवल पर करना चाहते हैं। तो एफएओ ने बांग्लादेश के साथ में मिलकर एक प्रोग्राम चलाया था जिसे कि टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम कहते हैं, जिसमें कि ये जो हमारा ट्रिकल डाउन सिस्टम है इसको और बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें क्या है कि हमारा एक होता है रैपिड रूरल अप्राइजल टेक्निक। रूरल रैपिड अप्राइजल टेक्निक क्या है, ये एक टाइप की टेक्निक है जिससे कि हम जिस भी विलेज में कोई भी टेक्नोलॉजी अगर हम जा रहे हैं उसको बता रहे हैं कि आप ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कीजिए, ये मेथड इस मेथड से कल्चर कीजिए तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो हम वो टेक्नोलॉजी या फिर हम कोई भी रिकमेंडेशन कर रहे हैं तो उस रिकमेंडेशन का बेस क्या है, हाँ हम कैसे उसको बोल सकते हैं कि ये मेथड या फिर ये टेक्नोलॉजी जो है इस विलेज के लिए या फिर इस पर्टिकुलर एरिया के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, रैपिड रूरल अप्राइजल टेक्निक यूज़ करते हैं। ये एक टेक्निक है जिससे कि हम किसी भी लोकेशन की कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको गेन करते हैं, उनके उस लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब जैसे हम फिश कल्चर करें तो हमको मेनली क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठंडियाँ जो विंटर का मौसम है वो कब तक रहता है, कितने महीने रहता है, वहाँ का वाटर क्वालिटी क्या है और जो हमारा सॉइल क्वालिटी है वो कैसी है, हम किस टाइप के फिश कल्चर करेंगे, कौन सी फिश कल्चर करेंगे जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके। तो इन सब में क्या है, कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी एक टीम बनाई जाती है और वो प्रोफेशनल्स जो है कुछ इंफॉर्मेशन को विलेज से लेते हैं, उसका कई सारा मेथड होता है, हो सकता है कुछ क्वेश्चनार बनाया जाए, ओके, हो सकता है डायरेक्ट उनसे ग्रुप डिस्कशन किया जाए कि यहाँ की सॉइल कैसी है, तो वो साइंटिस्ट या फिर जो भी हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं उन सब चीज़ों को एक जगह एक्यूमुलेट करके उससे ये निष्कर्ष निकालते हैं, ये कंक्लूजन निकालते हैं कि क्योंकि यहाँ का वाटर पीएच ऐसा है, सॉइल ऐसी है, तो इस टाइप की फिश जो है जल्दी ग्रोथ करेगी, या फिर कुछ ऐसे अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा लोकेशन एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो फिर ऐसी फिशेज हम सेलेक्ट करेंगे जो कि सर्दी में भी अच्छा ग्रोथ दे सकें, ओके। तो ये चीज़ होता है रैपिड रूरल अप्राइजल टेक्निक, मतलब क्या है कि कुछ प्रोफेशनल्स को इकट्ठा करके, अब जैसे मैंने बताया कि उसमें सॉइल जैसे है, वाटर का लेना है, तो इसमें क्या है हम किस किस प्रोफेशनल्स को इंक्लूड करेंगे, जो कि हमारा एक एक्वाकल्चर का एक्सपर्ट होगा, ओके, एक होगा जो कि सॉइल का एक्सपर्ट होगा, एक होगा जो कि वाटर क्वालिटी का एक्सपर्ट होगा, तो इन सबको हम मिला करके ये टेक्निक से जो है इंफॉर्मेशन को हम लेते हैं। देन पार्टिसिपेटरी असेसमेंट वॉज मेड अबाउट द साइज एंड टाइप ऑफ एक्वाकल्चर रिसोर्सेज, ओके। अब ये सब क्या करते हैं कि एक्वाकल्चर रिसोर्सेज कौन से हैं, लोकली अवेलेबल इनपुट्स कौन से हैं, हमको कौन से लोकली मिल जाएंगे, या फिर कौन से अगर हमको कुछ इनपुट्स है वो बाहर से मंगाना पड़े तो वो कब उनकी जरूरत पड़ेगी, मतलब कल्चर के किस स्टेज में उनकी जरूरत पड़ेगी, ओके। स्टेटस ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस, लोकल फार्मिंग स्किल्स, वहाँ के जो फार्मर्स हैं जो पहले से फिश कल्चर कर रहे हैं उनका स्किल कैसा है, वो किस टाइप का फिश फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब वो उसमें पूरी तरीके से क्या कहते हैं वो इंटेंसिव कर रहे हैं, एक्सटेंसिव कर रहे हैं, किस टाइप की फिश कल्चर कर रहे हैं, ओके, उनका स्किल कैसा है, वो बहुत अच्छे से फिश फार्मिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ओके, उसमें फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें जो हमारा एक इंफॉर्मेशन है ये रैपिड रूरल के थ्रू हमने लिया, ओके। देन रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन फार्मर्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम ऑल इकोनॉमिक ग्रुप और फ्रॉम विलेज लीडर्स विथ द कंसेंट ऑफ ग्रुप, ओके। अब जब हम आरडीएफ सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अब एक विलेज है वहाँ पर तो कई सारे इकोनॉमिक सोसाइटी सॉरी इकोनॉमिक ग्रुप के लोग रहते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, कुछ होते हैं मिडिल क्लास में जैसे होते हैं, फिर उसके बाद आते हैं हमारे पुअर फार्मर्स आते हैं, तो हमको हर क्लास हर इकोनॉमिक क्लास के ग्रुप से जो है एक एक फार्मर को सेलेक्ट करना चाहिए। अब उनके जो आरडीएफ जो भी हमारे रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन फार्मर्स हैं उनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है ये चीज़ हम
नेक्स्ट स्लाइड में आगे देखेंगे. ओके, देन वंस द क्रॉप अटेंड द प्रेजेंटेबल स्टेज, जैसा कि मैंने बताया था पहले कि जो भी हमारी फिश होती है उसके बाद में जब भी वो हमारे कल्चर पीरियड पूरा हो जाता है वो एक मतलब टेबल साइज, जो भी हमारी फिश है वो टेबल साइज अटेंड कर लेती है या फिर इतनी बड़ी हो जाती है कि हम उसको मार्केट में जब ले जाते हैं उसको बेचते हैं, तो क्या है आरडीएफ उनका डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं. जो भी उनका फार्म एरिया है वहीं पर मेनली उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है कि हमने इस टाइप से कल्चर किया है. तो उसमें क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन के समय में आप जो मतलब कि उस विलेज के या फिर उस लोकेलिटी के जो फार्मर्स हैं उनको सिर्फ उनको बुला सके बुलाएं ऐसा भी हो सकता है, या फिर अगर चाहें तो अगल बगल के जो हमारे नेबरिंग विलेजर्स हैं अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आकर उसमें पार्ट ले सकते हैं. ओके, की कंसिडरेशन क्या है, ग्रास रूट लेवल इनिशियल प्लानिंग. जैसा ही मैंने बताया था कि जो भी हमारा इंफॉर्मेशन लिया जाता है वो नीचे ग्रास रूट लेवल से शुरू किया जाता है, उसमें फार्मर्स को हमारे जो प्रोफेशनल्स हो गए उन सबको इंक्लूड किया जाता है. ओके, फिर क्या है ट्रेनिंग, स्टार्टिंग में क्या है जो भी हमारे रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन फार्मर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं. कोई भी नई कल्चर प्रैक्टिस आती है तो फार्मर्स को तो जरूरी नहीं कि उसके बारे में पता हो या फिर वो पूरी तरीके से उसमें स्किल्ड हो कि इसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, कैसे इसको करना चाहिए, कौन से इनपुट्स देना है, किस सीजन में क्या देना है. तो इसके बारे में पहले हम जो हमारे आरडीएफ्स हैं रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेटिंग फार्मर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं. ओके, फिर डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने बताया कि जो भी फिश है हमारी वो जो टेबल साइज की हो जाती है या फिर तो फिर उसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं. उसके बाद क्या है पीरियोडिकल पॉन्ड होम एंड पॉन्ड विजिट, जो भी हमारे एक्सटेंशन एजेंट होते हैं या फिर जो भी हमारे साइंटिस्ट होते हैं उनका क्या रोल होता है, एक तो वो तो ट्रेनिंग देने का, दूसरा क्या होता है पीरियोडिकल पॉन्ड एंड होम एंड पॉन्ड विजिट, मतलब कि वो पॉन्ड पर जहाँ पर कल्चर प्रैक्टिस हो रहा है या फिर उनके जो भी फार्मर्स हैं उनके घर पर जाकर उनको विजिट करते हैं कि आप जो भी कल्चर कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है. अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मान लीजिए वो एक्सटेंशन एजेंट आया, आपने उसको बताया कि हमको ये प्रॉब्लम है कल्चर में, ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर वो क्या होता है वो प्रॉब्लम को लेकर साइंटिस्ट के पास में जाता है कि फार्मर्स को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसका जो सॉल्यूशन है वो बताते हैं आपको. तो वो कैसे होता है, हम पॉन्ड और होम विजिट, जब तक हम किसी को विजिट नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा. तो ये चीज़ें हैं हमारी, ग्रास रूट लेवल इनिशियल प्लानिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड उसके बाद क्या होता है पीरियोडिकल पॉन्ड एंड होम एंड पॉन्ड विजिट होता है. ओके, देन क्राइटेरिया क्या होता है हमारा रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेटर, जो भी हमारे जो रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेटिंग फार्मर्स होते हैं उनको जब भी हम उनको सेलेक्ट करते हैं तो उसको उनको सिलेक्शन में हम कुछ क्राइटेरिया रखते हैं. वो क्राइटेरिया क्या होता है, फर्स्ट है सोल ओनर ऑफ द पॉन्ड, वो जो है पॉन्ड का अकेला मालिक होना चाहिए. ओके, देन एबल टू डिवोट कंसिडरेबल टाइम फॉर पॉन्ड फिश फार्मिंग एक्टिविटीज, वो इस बात के लिए राजी होना चाहिए कि जो भी फिश फार्मिंग कितने करने जा रहे हैं उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक कंसिडरेबल टाइम, या तो मतलब क्या है कि हो या तो वो पूरी तरीके से फिश कल्चर करता हो, वो कंसिडरेबल टाइम उसको पूरे फुल टाइम दे उसको फिश कल्चर को दो, या फिर अगर पार्शियली कर रहा है तो फिर भी उसके लिए कंसिडरेबल टाइम देना चाहिए. अगर ऐसा कोई मतलब फार्मर को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे जो कि मान लीजिए पॉन्ड विजिट ही ना करता हो, या तो हमने ऐसा कोई आरडीएफ सेलेक्ट कर लिया वो जो कि पाँच दिन में छः दिन में एक बार पॉन्ड पे जा रहा है अपने पॉन्ड पे, तो कल्चर प्रैक्टिस में क्या क्या हो रहा है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है फिशेज को, ठीक है, तो अगर वो पॉन्ड पे जाएगा तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा, तो फिर हमारा एक्सटेंशन एजेंट हमारा जो भी पूरा ये प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पाएगा. ओके, फर्स्ट क्या था कि वो जो है पॉन्ड का सोल ओनर होना चाहिए, या तो अगर उसके पास पॉन्ड नहीं है तो अगर उसने अगर लीज पर पॉन्ड लिया तो वो नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स के लिए 2 से 3 साल तक के लिए लीज पर उसी के पास रहना चाहिए, ये शर्त होती है उसकी. ओके, देन रिप्रेजेंट वेरियस सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स विच कम्प्राइजेज द विलेज सोसाइटी. मैंने जैसा कि पहले ही बताया था पहले वाले इससे पहले की स्लाइड में कि जो भी हम आरडीएफ सेलेक्ट करते हैं वो मेनली हमारे एक विलेज के या फिर जिस भी हम लोकल सॉरी जिस भी लोकेलिटी में हम फिश कल्चर प्रैक्टिस को स्प्रेड करने जा रहे हैं तो वहाँ से जो हम आरडीएफ को सेलेक्ट करेंगे वो हर इकोनॉमिक ग्रुप के होने चाहिए, वो रिच भी होना चाहिए, मिडिल फार्मर्स होते हैं मिडिल इकोनॉमिक ग्रुप के फार्मर्स होते हैं उनको भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे,
और जो हमारे पुअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के फार्मर्स होते हैं, जिनका कि पुअर मतलब हो गया, हो सकता है उनके पास जो पॉन्ड होल्डिंग है वो बहुत बड़ी ना हो या फिर बिल्कुल ना हो, वो लीज पर लेकर पॉन्ड कल्चर कर रहे हो, तो उनको भी हम उसमें सेलेक्ट करेंगे. ओके, देन फार्मिंग शुड बी देयर प्राइमरी प्रोफेशन एंड प्रिफरेबली विद सम एक्सपीरियंस इन एक्वा कल्चर. जैसा कि पहले ही बताया था कि जो फिश फार्मिंग है उनका प्राइमरी प्रोफेशन होना चाहिए. देन शुड प्रेफरेबली बी लिटरेट, मतलब कि लिटरेट होने चाहिए, या फिर अगर लिटरेट नहीं है तो एटलीस्ट उनको लिखना और पढ़ना आना चाहिए. ओके, दे शुड बी रिस्पेक्टिव टू न्यू आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस एंड विलिंग टू ट्राई, मतलब कि जो भी हम न्यू प्रैक्टिस या फिर कल्चर प्रैक्टिस हम स्प्रेड कर रहे हैं, हम फार्मर्स को बता रहे हैं, वो उसको उनको विलिंग होना चाहिए, उनको ये होनी चाहिए कि हाँ हम इसको अपने पॉन्ड पे ट्राई करना चाहते हैं. ओके, क्योंकि जब तक ऐसा कोई फार्मर हमको नहीं मिलेगा, हम ज़बरदस्ती किसी से कुछ काम नहीं करवा सकते. हमने मान लीजिए किसी फार्मर को सिलेक्ट कर लिया, उसको बोल दिया कि नहीं ये तुमको करना ही करना है, लेकिन उसका उसमें उसको करने में कोई मन नहीं है, तो क्या है, मान लीजिए उसने पॉन्ड दे दिया आपको, आपने फिश या सब कुछ उसमें कर दिया, लेकिन वो जब तक खुद से कुछ नहीं करेगा तब तक क्या है कि मान लीजिए वो दूसरे जो फार्मर्स हैं उनको फिर वो नहीं बताएगा कि हमने ऐसा ऐसा किया, ये किया. तो फिर क्या है, हम ऐसे फार्मर्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि न्यू टेक्नोलॉजी को अपने फार्म पर, उनका जो फार्म एरिया है उस पर ट्राई करने का वो इच्छुक हों उसको. ओके, प्रेफरेंस टू बी गिवन टू वुमेन टू डेमोंस्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी. हम वुमेन को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है या फिर ऐसा होता है जनरली, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी देखेंगे कि वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उनको अगर कोई भी लोन दिया जाता है तो उसमें प्रायोरिटी दी जाती है उनको. क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि वुमेन्स जो है ज़्यादा वर्क करती हैं, उनको अगर आप कोई टारगेट दे दीजिए तो वो उसको पूरा करने में इन कंपैरिजन टू मेन ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे. तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर RDF सेलेक्ट करते समय अगर हमको कोई वुमेन है, अगर वो ऐसा उसको अवेलिंग है कि वो भी उसमें पार्ट लेना चाहती है, तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे. ओके, उसके बाद क्या है, प्रेफरेंस टू आल्सो बी गिवन टू रिलीजियस हेड्स एंड और स्कूल टीचर्स. जैसा कि मैंने बताया कि उसमें रिलीजियस कुछ मतलब जो धार्मिक नेता टाइप के होते हैं, ओके, उनको अगर हम सम्मिलित करेंगे तो क्या, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है सोसाइटी में, हमारा लोग उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो जो भी कहते हैं लोग उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से मानते हैं. तो अगर हम उनको इंक्लूड करके उनसे ये चीज़ करवाएंगे तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा सरल तरीके से उस जो भी कल्चर प्रैक्टिस है उसको हम सोसाइटी में जो है स्प्रेड कर सकते हैं. वो जो कल्चर प्रैक्टिस है वो विलेज के लोग उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको एक्सेप्ट करेंगे. तो प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू रिलीजियस लीडर्स, स्कूल टीचर्स. ओके, अब अगर हमको सोसाइटी में या फिर हमको उस विलेज में ऐसा कोई भी व्यक्ति मिलता है जो कि ज़्यादा इन्फ्लुएंसेबल है, जो लोगों को अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है, राजी कर सकता है, तो हम उसको सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे. देन रोल, ओके, ये तो हमने RDF सेलेक्ट कर लिया. अब उनका रोल क्या है, उनका रोल होता है सेलेक्ट फेलो फार्मर्स फ्रॉम देयर ओन कम्युनिटी. अब मान लीजिए हमने एक कम्युनिटी से, मान लीजिए मिडिल क्लास जो है हमारी फार्मर्स की कम्युनिटी, उससे RDF सेलेक्ट किया. अब उनको क्या रोल देंगे कि उस मिडिल क्लास जो मिडिल क्लास फार्मर्स की कैटेगरी है उससे वो फेलो फार्मर्स को सेलेक्ट करें, जिससे कि जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे उनको. ओके, और फार्मर जो हमारे RDF का रोल क्या है, कीप रेगुलर कॉन्टेक्ट विद FF, हमारा एक्सटेंशन एजेंट. और जो साइंटिस्ट का क्या हमारा एक रोल था कि पीरियोडिकल पॉन्ड एंड होम विजिट ऑफ RDF, जो भी रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन फार्मर्स हैं उनके फार्म को पीरियोडिकली विजिट करना. तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारा RDF का क्या रोल हो जाएगा, जो कि FF उन्होंने सेलेक्ट किया, उनके पॉन्ड को टाइम टू टाइम पर विजिट करना. टेक लीड रोल इन कंडक्टिंग इन सीटू ट्रेनिंग प्रोग्राम और डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ देयर FF. इन सीटू क्या है कि मतलब कि जो पॉन्ड का रियल कंडीशन है, ओके, हम वहीं पर उस कल्चर को करेंगे. हम उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि अलग से सॉइल ले आएंगे पॉन्ड के लिए, तो वो हमारा इन सीटू नहीं हो जाएगा.
वो एक्सीटू हो जाता है। तो इन सीटू को होता है किसी भी कल्चर प्रैक्टिस को उसका जो नेचुरल कंडीशन है, नेचुरल जो एनवायरनमेंट है, उसी में प्रैक्टिस करना। देन आता है ट्राई आउट न्यू आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस इन देयर ओन पॉन्ड फैसिलिटी रिकमेंडेड बाय द एक्सटेंशन एजेंट। ओके, जो भी न्यू आइडियाज हैं उनको अपने ही पॉन्ड पर उसको ट्राई करना। और देन उसके बाद क्या है और क्या क्या रोल है, असिस्ट एंड मोटिवेट FF and other farmers in adopting new technology। जैसे कि हमारा जब हम RDF select कर रहे थे तो हमारा एक criteria क्या था कि वो new technology को accept करे और उसको अपने farm पर try करे। उसी तरीके से जब RDF FF को select करता है तो उसका भी यही एक इस बात को consider करता है कि जो FF हम select कर रहे हैं उनको वो उस technology को accept करें और उसको अपने farm पर try करें। Take frequent visit to his or her pond, ये चीज भाई frequent pond and home visit का है। Then follow the recommended technologies from the beginning of the end of the farming package। Okay, जो भी हमने जो भी RDF को select किया उसके बाद जब वो FF को select करके उनको ये बताएगा कि हमने कैसे कैसे ये culture practice को किया है, क्या क्या हमने steps follow किए हैं, तो जब वो फेलो फार्मर्स उसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो RDF का ये रोल होता है कि वो उसको मतलब कि उनको उस पर एक क्लोज ऑब्जर्वेशन दे कि शुरू से लेकर लास्ट तक जैसे हमने किया वैसे ही वो करें। ओके, देन लिस्ट प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको इनलिस्ट करना और उसको एक्सटेंशन एजेंट या फिर जो साइंटिस्ट होते हैं उनके साथ में उसको डिस्कशन करना, उसका सॉल्यूशन निकालना। ओके, देन अज्यूम एक्टिव लीडरशिप रोल एंड इनिशिएटिव कोऑपरेटिव ग्रुप एक्शन। अब जब हम ये करते रहेंगे, RDF ने FF सेलेक्ट किया, फिर वो FF जब RDF हो जाएंगे तो वो दूसरे FF सेलेक्ट करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। ओके, तो इस ग्रुप का लीडर कौन होगा, जो सबसे पहला RDF था उस जिसने सबको ये कल्चर प्रैक्टिस सिखाया है, तो क्या होता है उसका रोल क्या होता है कि जो भी हमारे ये ग्रुप बना है उसको एक साथ में लेकर काम करना। ओके ओके, ये थैंक यू। कोई क्वेश्चन है इसके बाद में आप लोगों का, समझ गए सब लोग, कुछ प्रॉब्लम आई है इसमें सर? हाँ सर, RDF पहले वो FF को देता, RDF FF में चेंज हो जाता है, मतलब RDF इंफॉर्मेशन FF को देता है फेलो फार्मर को। हाँ, तो एक टाइम आता है जो FF भी RDF बन जाता है, तो हाँ, उसके लिए भी क्राइटेरिया होना चाहिए कि पहले जो FF था उसके पास लीजिए अपना पॉन्ड नहीं है, तो अगर अब वो अगर RDF में चेंज होगा तो उसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए कि उसको अपना पॉन्ड लेना होगा। हाँ, जैसे कि बिल्कुल, अब जैसे कि RDF जब FF को सेलेक्ट करेगा, ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है ना, उसके लिए सेम क्राइटेरिया वही रहते हैं, या तो उसका खुद का पॉन्ड हो, या तो अगर पॉन्ड उसका नहीं है तो वो जहाँ पर भी कल्चर प्रैक्टिस कर रहा है, लीज पर कर रहा है, तो वो पॉन्ड फिर 2 या 3 साल के लिए मिनिमम उसके पास में होना चाहिए। ओके, इस टाइप के कुछ होते हैं। अब मान लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है जरूरी, अब हर क्राइटेरिया नहीं इंक्लूड होता है। मान लीजिए आप जब सबसे लोअर कैटेगरी में जाएंगे, मान लीजिए किसी ऐसे फार्मर को आपने सेलेक्ट किया, फेलो फार्मर को, जिसकी की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर है, लेकिन तो हो सकता है कि उसके पास एजुकेशन भी ना हो, वो एजुकेटेड ना हो, लेकिन फिर भी वो फिश कल्चर कर रहा हो, ठीक है, तो क्योंकि वो फिश कल्चर कर रहा है और एक्सेप्ट करना चाहता है आपकी जो भी आपने जो मतलब जो भी आप उसको बता रहे हैं, आप जो भी उसको रिकमेंड कर रहे हैं, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो वो ऑलरेडी फेलो फार्मर हो जाएगा। ओके, यस सर। और कोई क्वेश्चन सर? हाँ सर, TDS जो बताएं, सब सेक्टर के लिए, लिमिटेड या फिशरी सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर में भी लगा सकते हैं ये, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी स्कीम लगा सकते हैं ना ये, मेनली फिशरीज के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो एग्रीकल्चर में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल, उसका अलग नाम हो सकता है। नहीं देखिए, ट्रिकल डाउन सिस्टम ये क्या है, मेनली एक्वाकल्चर के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अगर आप इसको एग्रीकल्चर में चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। आप कुछ फार्मर सेलेक्ट कर लीजिए जो कि मतलब न्यू टेक्नोलॉजी जो भी एग्रीकल्चर की आई है उसको अपने फार्म पर, उसको जो भी उनका फार्म एरिया 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर जो भी है उस पर अप्लाई करना चाहते हो, फिर उससे जो उनको अच्छा रिजल्ट आएगा तो उनके बाद जो जो फार्मर्स हैं उनको वो लोग उसको बताएंगे, तो सेम प्रोसीजर सेम है, बस
फार्म की जगह इधर पॉन्ड हो गया, पॉन्ड की जगह एग्रीकल्चर में फार्म हो जाएगा। ओके हेलो यस समझ गया। ओके और कोई क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नहीं, ठीक है, तो मैं अभी थोड़ी देर में इसका जो नोट्स है वो शेयर कर दूंगा आपको। ओके तो थैंक यू फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सर। पीपीटी फॉर्म दीजिएगा सर।